यादव कॉलोनी में दुर्गा पंडाल के पास जुए का फड़ संचालित हो रहा था। बीती रात कोतवाली और उमती संभाग की संयुक्त टीम ने जुए फड़ पर छापा मारा और मौके से एक दर्जन जुआरियों को रंगे हाथ जुआ खेलते पकड़ा। जुआरियों से 17 मोबाइल और 87,000 रुपए जब्त किए गए। जुए फड़ के संचालन को लेकर एक भाजयुमो नेता का नाम भी चर्चाओं में है। यादव कॉलोनी राजकिराना स्टोर्स के पास दुर्गा पंडाल के समीप संचालित एक जुए के फड़ पर ओमती और कोतवाली संभाग की संयुक्त पुलिस टीम ने छापा मारा। पुलिस की छापा कार्रवाई से हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस ने एक दर्जन जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा, जिनसे लगभग 87,000 रुपए और 17 मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 2,00,000 रुपए है बरामद किए गए। जुआरियों के विरुद्ध थाना लाड़गंज में प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। राजकिराना के स्टोर्स के पास में संचालित हो रहा था। कुछ दिनों से मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी। आज रात्रि को रेड कार्रवाई की गई है। इसमें संभागीय अधिकारी उमती डिवीज़न और कोतवाली डिवीज़न और थाना स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया है। लगभग 12 है कुल संख्या, जिसमें से 2,01,00,000 रुपये के मोबाइल हैं उनके पास में। 17 नग मोबाइल जब्त हुए हैं और जो मसरू का है वो 87,000 रुपये का। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन वो राजकिराने के पास में स्ट्रीट लाइट के नीचे खेले थे, पंडाल के बाजू में, दुर्गा पंडाल के बाजू में। इस जुआ फड़ के संचालन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के नाम की चर्चा भी सरगर्म है। हालांकि पुलिस स्पष्ट तौर पर इस संबंध में कुछ भी बोलने और बताने से बच रही है।